महाराष्ट्र की सियासी जंग में मिनट टू मिनट समीकरण बदल रहे हैं, हर घंटे मीटिंग, हर पल सियासी उठापटक। कभी कोई फ्रंट फुट पर आता है तो कोई बैक फुट पर चला जाता है। पल पल बदलते समीकरणों के बीच अब ये लड़ाई योग्य और अयोग्य पर आ टिकी है, और इसे जीतने वाला ही महाराष्ट्र में सरकार का दावेदार होगा। यानी कि जो कानूनी लड़ाई जीत जाएगा, कानूनी तौर पर अपने आप को सही साबित कर देगा, उसी के पक्ष में यह फैसला भी होगा। शिवसेना के बागी विधायकों की मुश्किलें इस बीच बढ़ सकती है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। शिवसेना की शिकायत के बाद एक्शन में डिप्टी स्पीकर, 16 बागी विधायकों को आज मिल सकता है नोटिस। शिवसेना ने 16 बागियों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। नोटिस मिलने के बाद 48 घंटे के भीतर देना होगा जवाब। तो इन 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर खतरा भी आ सकता है, क्योंकि इनको अयोग्य ठहराने की मांग की गई है और इन विधायकों को नोटिस भी मिल सकता है। आपको बता दें कि जो समर्थन पत्र के साथ हस्ताक्षर करके शिंदे ने डिप्टी स्पीकर को लिस्ट दी थी, उसके बाद से ये 16 विधायकों, जिनको एक आधार बनाया गया था व्हिप के उल्लंघन का, उसके बाद अयोग्य ठहराने की भी बात कही गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि हस्ताक्षर न मिलने की भी बातें सामने आई थी। कई तरह की चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 48 घंटे के भीतर इनको जवाब देना होगा अगर इन 16 विधायकों को नोटिस मिलता है। तो आज बागियों को नोटिस मिलेगा। जी हां, बड़ी खबर आज की यही है। एकनाथ शिंदे, भरत सेठ, गोगा वाले, जरा नाम हम एक बार जल्दी से आपको बताएंगे। एकनाथ शिंदे जो कि लीड कर रहे हैं और जिनको बागी विधायकों ने अपना नेता माना है, उनका नाम इसमें शामिल है, इनको नोटिस मिल सकता है। दूसरा नाम भरत सेठ गोगा वाले, तीसरा नाम सदीपन भुमरे और चौथा नाम अब्दुल सत्तार। एक एक करके वो हम नाम आपको बता रहे हैं जिनका जिक्र है 16 विधायकों में और जिनको ये नोटिस मिल सकता है। यामिनी जाधव का भी नाम इसमें शामिल है। अनिल बाबर का नाम इसमें शामिल है। एक तरफ उनके हस्ताक्षर हम दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके नाम, बालाजी किनकर, तानाजी सावंत और प्रकाश सुर्वे, इनका नाम शामिल है। 11वें विधायक महेश शिंदे, जिनका नाम शामिल है। 12वें विधायक लता सुनावड़े और 13वें चिमन राव पाटिल का नाम इसमें शामिल है। रमेश बुन्नारे, संजय राय मुलकर और बालाजी कल्याणकर, इन सभी 16 विधायकों को यह नोटिस जारी हो सकता है जिसका जवाब 48 घंटे में उनको देना होगा। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिप्टी स्पीकर के घर के पास। विपिन चौबे हैं हमारे साथ शिवसेना भवन से, अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए देवेंद्र फडणवीस के घर से और दीपेश त्रिपाठी हमारे साथ अजित पवार के घर से जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अभिषेक के पास। अभिषेक, डिप्टी स्पीकर इस वक्त सबसे ज्यादा हाईलाइटेड चेहरा है और महाराष्ट्र की राजनीति घूम फिर कर उनके निर्णय या उनके आदेश पर आकर रुकी हुई है। क्या हो सकता है, क्या होने की संभावना है इन 16 विधायकों को लेकर? अभिषेक, हमारी जानकारी यह कि डिप्टी स्पीकर की ओर से नोटिस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। नोटिस ये सर्व कर दिया जाएगा और उस नोटिस में इनसे जो शिकायत हुई डिप्टी स्पीकर के सामने, उस शिकायत के बाबत उनका जवाब मांगा जाएगा। जवाब के लिए उनको एक तय टाइम फ्रेम दिया जाएगा। ये टाइम फ्रेम 2 दिन का हो सकता है। 2 दिन के भीतर उनको उसका जवाब देना होगा और साथ में ये भी मुमकिन है कि उनको ये भी कहा जाए कि डिप्टी स्पीकर के सामने पेश हो चुके। हमने डिप्टी स्पीकर जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने क्लियर कहा था कि उनको मेरे सामने पेश होना होगा, तो डिप्टी स्पीकर इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के मुताबिक वो आगे की प्रक्रिया करेंगे। और दूसरी ओर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का एक प्रस्ताव दे दिया गया है बागी विधायकों की ओर से, तो मामला बहुत ही पेचीदा हो गया और ये सीधा सीधा अब अदालत की चौखट की ओर जाता हुआ दिख रहा है। अभिषेक, रवि, जो 16 विधायकों की का जिक्र हम कर रहे हैं, जिनके नाम भी हमने दिखाए और जिनको नोटिस जारी करने की बात कही जा रही है, क्या उनके खिलाफ शिकायत लगाई गई है? क्या उनके खिलाफ जो आवेदन डाला गया डिप्टी स्पीकर के, उसमें कहा गया उनकी सदस्यता को लेकर? देखिए, जो मेन शिकायत है वो शिकायत है व्हिप के उल्लंघन को लेकर के, कि व्हिप का उल्लंघन किया है, पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें शामिल नहीं हुए हैं, पार्टी का निर्देश नहीं माना है, ये उनके खिलाफ शिकायत है। दूसरी ओर उन विधायकों का कहना है कि व्हिप जो है वो विधानसभा के भीतर लागू होता है, बाहर कैसे लागू कर सकते हैं।
एकनाथ शिंदे ने यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं अनेक ऐसे फैसले हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, तो एक आधार उनके खिलाफ बनाया गया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि ये सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इसलिए ये मामला यहां पर आके उलझ गया है। अब इस डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उधर से अविश्वास की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब ये मामला ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी ही कोर्ट की परिधि में होगा और वहां से मिले निर्देश के मुताबिक ही ये मामला आगे बढ़ेगा।